यदि आप बैंकिंग सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी सेवाओं का विस्तार नहीं करना चाहते और किसी भी कारण से आप कोटक 811 के खाता को बंद करना चाहते हैं, तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको ये खाता ऑनलाइन बंद करवा सकते हैं। आपको बैंक विजिट करना ही पड़ेगा। और अब मैं बताता हूँ कि आप जब बैंक विजिट करोगे तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो डॉक्यूमेंट जो ये दर्शाता है कि आपका बैंक में खाता है। यानी जब आप फुल केवाईसी करवाते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, आप वो ले जा सकते हैं। ये खाता ऑनलाइन इसलिए बंद नहीं करवा सकते क्योंकि आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको आपका खाता बंद करवाना है, इसीलिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। अब जब आप ब्रांच जा चुके हो तो वहाँ किसी अधिकारी से मिलकर आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रहे कि आपके खाते में बैलेंस ना हो। और एक ज़रूरी बात ये कि अगर आपका खाता जब आपने खुलवाया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप बंद करवा रहे हो तो शायद आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है। 500, 1000, 500 से 1000 रुपये के अंदर ये रकम हो सकती है। दूसरी बात ये कि जब आप ये रिक्वेस्ट कर चुके हो, आपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, आपने क्लोज़र का फॉर्म भी भर दिया है, तो आप वहाँ का लैंडलाइन नंबर ज़रूर लेकर आए क्योंकि खाता बंद करवाने में शायद समय लग सकता है। इसीलिए जब आपका खाता नहीं बंद हो रहा हो तो आप फ़ोन करके बैंकिंग अधिकारी को खाता बंद करवाने की प्रोसेस को जल्दी करने को कह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैंकिंग, फाइनेंस, लोन जैसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। थैंक यू।